हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं मिली बग के बारे में बात करने जा रही हूं, क्योंकि अभी मैं जहां तक भी देख पा रही हूं और जिन लोगों से बात कर पा रही हूं, सबकी एक ही प्रॉब्लम है मिली बग्स की। मिली बग्स का अटैक इन दिनों तकरीबन मैं समझती हूँ सबके गार्डन में कहीं ना कहीं होगा, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मिली बग एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत ज़िद्दी होता है, जल्दी जाता नहीं। जो हम होम रेमेडीज़ घर में बनाते हैं उससे भी नहीं जाता। तो उसके लिए आज मैं एक 100% कारगर होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करने पे उसे 100% छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाना चाहूँगी जिस पे मिली बग लगे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं हटाया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी और इसके लिए मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन आप देखें कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये मेरे पूरे प्लांट में फैल गया है और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट की सिचुएशन क्या है। और इसी वजह से शायद मैंने ये वीडियो जल्दी बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा ये प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ख़राब इंसेक्ट होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे प्लांट को ही सुखा देता है। तो आप देखें कि ये किस तरह मेरे प्लांट में लगे हुए हैं, और थोड़े से नेग्लिजेंस से ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट पूरे मेरे हिबिस्कस के प्लांट में लगे हुए हैं। और ये मेरा बहुत ही हेल्दी प्लांट हुआ करता था, लेकिन अभी इसकी क्या हालत है यहाँ भी दिखाना चाहूँगी आपको, किस तरह से इन्होंने पूरा सैप इसका सक कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। अब यहीं से ये सूखना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इसे नहीं मिल पाएंगे। ये देखें किस कदर ये दिखने में भी बहुत ख़राब दिखते हैं, और आप देख सकते हैं। और बेसिकली हम पहले जान लें कि मिली बग होते क्या हैं और क्यों ये इतने ज़िद्दी होते हैं, और क्यों हम अपने होम रेमेडीज़ से इसका क्योर नहीं कर पाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसके पीछे हम किसी भी चीज़ के पीछे जब तहकीकात करते हैं तो हमें उसका बेसिक रीज़न समझ में आता है। जैसे मान लें कि एफिड है, मान लें स्पाइडर माइट्स हैं, ये सब पे अगर हम होम रेमेडीज़ बहुत सारे बना के होममेड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो ये या तो हमारे गार्डन से भाग जाते हैं या मर जाते हैं लगातार यूज़ करने पे। लेकिन ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत परेशानी देता है, और इन सब होम रेमेडीज़ का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से बताती आ रही हूँ कि मैं केमिकल फ्री गार्डनिंग करती हूँ, और आप लोगों से भी कहती हूँ कि हमेशा अपने जो होम रेमेडी है उसका ही इस्तेमाल करें। तो मैंने एक ऐसी चीज़, मैं इस पर बहुत दिनों से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और जब मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया तो उसका 100% मुझे रिज़ल्ट मिला। वो क्या है मैं वो अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो ये होममेड पेस्टिसाइड बनाया है उसमें सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ होता है, जिसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं लगना है, जीरो कॉस्ट है। और ये देखें, उसके लिए मैंने बॉयल्ड राइस का इस्तेमाल किया है, और ये सिंपल जो हमारे घरों में जो नमक यूज़ होता है उसका इस्तेमाल किया है। और इस प्लास्टिक की एक बोतल लें जो एयर टाइट हो, जिसका हम रीयूज़ करेंगे। हम जो चावल लेते हैं उसको हमें फर्मेंट करना है, और फर्मेंट करने के लिए हमने, देखें ये बोतल जो लिया है उसमें चावल को डालना है, और रेशियो क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1/2 लीटर का बोतल लिया है, इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब हम ये बॉयल राइस डालेंगे, और उसमें पानी जब भरेंगे तो थोड़ा सा एरिया इसका खाली रहना चाहिए, ताकि जो फर्मेंटेशन के बाद जो इसमें गैसेस रिलीज़ होती हैं उसको रिलीज़ होने के लिए थोड़ी यहाँ पे जगह बचे। तो आप देखें, सबसे पहले हम इसमें धीरे धीरे करके ये चावल डाल लेंगे, करीब 1 मुट्ठी के करीब अंदाजे से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे भर के पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने इसमें 1 मुट्ठी के करीब चावल डाल लिया है। अगर आप लोग 1 लीटर वाली बोतल में बनाते हैं तो 2 मुट्ठी चावल डाल लें, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें, इसमें हम इतना पानी भरेंगे, थोड़ा सा स्पेस खाली रहे। हम
हमें इसमें पूरा पानी नहीं भरना है, क्योंकि जब गैसेस रिलीज होंगी तो अगर आप भूल जाएंगे तो ये बर्स्ट भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब 10 दिनों तक हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से हिला के किसी ठंडी सी जगह में रख देना है, और डेली आपको एक बार इसका फिज़ निकालना है। आप जब ऐसे खोलेंगे तो इसमें से गैसेस रिलीज होंगी, फिर इसको बंद कर देना है। जब 10 दिन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत हाई है तो बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, और इसमें मिथाइल अल्कोहल ये बनता है इसमें, जिसकी वजह से देखें मिली बग जो होता है उसमें एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से हम कोई भी जब पेस्टिसाइड उस पर यूज़ करते हैं तो वो इसकी स्किन तक नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से ये मरते नहीं, तो इसी वजह से इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो जब ये जो अल्कोहल है इसमें, जब हम इसका स्प्रे करते हैं उस पर, तो वो अल्कोहल उसके वैक्स को हटा देता है। उसके बाद हम कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करेंगे तो उससे उस पर तुरंत क्विक असर पड़ता है, और आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, और वीक में 2-3 बार अगर आपने इसे रिपीट कर दिया तो आप समझें कि आपका प्लांट बिल्कुल सेफ हो गया है 100%। और यहाँ आप देखें, जब ये बन के रेडी होता है तो ये कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पर देखें, आपको इसमें अंतर दिख रहा होगा, ये चावल देखें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें, और आप ये देखें जब ये डिज़ोल्व होना शुरू होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर का ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और नीचे ये चावल जमा हुआ है। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो रेशियो जानना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को अभी वीडियो बनाते बनाते अपनी एक ऑडियंस दिखाती हूँ, वो देखें कितने मज़े से वो देख रहा है, तब से मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें देखिए। दूसरा वाला भी सामने से निकला, आप देख रहे हैं ये इतनी शैतानी करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हम इसे 1:1 के रेशियो में मिलाएंगे, एक भाग इसका पानी तो एक भाग जो आपका सॉल्यूशन है वो रहेगा, तभी ये इफ़ेक्टिव हो पाएगा। तो मैंने इसमें पानी डाला हुआ है पहले से ही, मैं अब इस सॉल्यूशन को दिखाती हूँ आप लोगों को। तकरीबन 10 दिन के बाद इसमें से सारी गैसेज रिलीज हो जाती हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें पानी के अकॉर्डिंग ही हम इसकी हाफ मात्रा, चूँकि मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर नाप के इसको डालें। अब मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इससे इसकी वैक्स की कोटिंग को हटाते हैं। टेड एरिया है, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी, एक तो सबसे पहली बात कि आप इनिशियल स्टेज में ही इनको हटाने का सोचें, जब ये एक दो रहते हैं तभी, अदरवाइज़ जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है इनको रिमूव करना। और आप देख रहे होंगे, आपको पता कैसे चलेगा इसका, क्योंकि मेरे गार्डन में इतने सारे प्लांट हैं कि किसी से भी चूक हो सकती है, इस तरह से ये इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी मिली बग्स होते हैं वहाँ चींटियाँ ज़रूर होती हैं, इनका आपस का कोरिलेशन देख करके आप भी आपको भी बहुत आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। जैसे जो मिली बग्स होते हैं वो एक हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मीठी होती है और चींटियाँ उसको खाने के लिए आती हैं। इसके बदले में चींटियाँ इनको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रेडिटर्स से बचाती हैं, और जो इनके अंडे होते हैं उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह जाती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि चींटियों के माध्यम से ही ये पूरे आपके गार्डन में फैल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये छोड़ा हुआ था, लेकिन उसकी वजह से कहाँ कहाँ मेरे पौधों में ये फैल चुका है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसकी वैक्स की कोटिंग, जो हमने ये अभी सॉल्यूशन बनाया है, इससे ये हट जाती हैं। वो देखें, ध्यान से देखेंगे, ये वाइट था अभी, और जैसे जैसे आप इस पर स्प्रे करते जाते हैं, ये देखें ये धीरे धीरे ब्राउन होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इतने ज़िद्दी होते हैं और जिस तरह से चिपके होते हैं कि किसी चीज़ से इसको हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये देखें कितनी आसानी से ये हटते चले जा रहे हैं। हमने इसके वैक्स की कोटिंग तो हटा दी,
अब इसके आधे घंटे बाद या दूसरे दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लीटर पानी लें और जो नमक मैंने आप लोगों को दिखाया कि नमक का इस्तेमाल हम करेंगे, ये नमक हम 2 चम्मच डालेंगे इसमें। ये चम्मच मेरा छोटा है लेकिन आप स्पून भर के डालें। ये छोटा चम्मच है इसलिए हम 4 लेंगे इसमें, ज़्यादा ना लें। अब हम अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आप मिली बग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसको सप्ताह में 3 बार इनिशियल स्टेज पे रिपीट करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि टोटली आपका प्लांट इससे फ्री हो गया है। तो अब हम चलते हैं उसी जगह जहां मैंने अभी स्प्रे किया था और आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि नमक का पानी डालने से क्या होता है कि जब ये पानी सूख जाता है उसके बाद नमक अपना काम करना शुरू करता है। जितने भी उसके अंडे होते हैं या जितने भी बचे हुए मिली बग होते हैं वो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाते हैं और उसके बाद आपका प्लांट सेफ हो जाता है। तो आइए अब सेकेंड स्टेप हम फॉलो करें। ये देखें, आधे तो ऐसे ही निकल गए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इन्फेस्टेशन इस पर थी। और अब मैं इस पर नमक वाला पानी डालूँगी। ये देखें, आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह चले जाते हैं जब भी हम स्प्रे करते हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे अंडे इसी में रहते हैं। इनको मारने का सबसे अच्छा तरीका है ये नमक का पानी इस्तेमाल करना। ये देखें, जब हम नमक का पानी इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, ये पूरे के पूरे ड्राई आउट हो जाएंगे। आपको ये लगे हुए दिखेंगे लेकिन 2-3 दिनों में ये अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। तो इसी तरह आप अपने सारे प्लांट पर कर सकते हैं। इस तरह से पूरे प्लांट को नहला दें और बेहतर ढंग से। मैं आपको अगली बार अपने इस प्लांट को ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह इतना ज़्यादा इन्फेस्टेशन होने के बावजूद, मैंने आप लोगों को जगह जगह तक दिखाया, इसके बावजूद भी मैं इसमें कामयाब रही। ये मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। इसी तरह से इस प्रक्रिया को रिपीट ज़रूर करें। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और कहाँ कहाँ से मेरे प्लांट अफेक्ट हुए हैं। आप देखें, सुबह में मैंने कुछ हटाए भी थे लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ मिली बग इतने सुंदर मेरे स्वस्थ लौकी के बेल पे, इस तरह से जगह जगह मैंने देखा है कि ये मिली बग लगे हुए हैं। ये बहुत जल्दी सुखा देंगे। और एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी इन दिनों टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि अभी संडे का जो टेम्परेचर था 15 मई को, वो दिल्ली में करीब 49 डिग्री तक चला गया, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत बार दिखाई है और इसकी सिचुएशन आप देखें, आगे की जो पत्तियां हैं वो तो ठीक हैं लेकिन ये जो नीचे की पत्तियां हैं किस तरह से बर्न हो गई हैं आप देख सकते हैं। टेम्परेचर का हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अपने गार्डन का ख्याल रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया कि इस वक्त 49 डिग्री टेम्परेचर में भी आपने देखा कि मिली बग से मैं किस तरह परेशान हो गई। तो ये काम ज़रूर करें अपने गार्डन में और ये 100% कारगर इलाज है जिसको आप ज़रूर अपनाएं। चूँकि हम लोग ये रेमेडी एक्सट्रीम गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अमाउंट का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम लीफ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लीफ पे जब इसका स्प्रे करते हैं तो हो सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो बर्न हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम ज़रूर करें कि एक दिन पहले आप पैच टेस्ट जरूर करें किसी अपने किसी लीफ पे, स्प्रे करके देखें और अगर नेक्स्ट डे आपको लगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बर्न नहीं है, तो आप इसको बेफिक्र होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, हमेशा इवनिंग के टाइम जब बिल्कुल सूरज ढल जाए या मॉर्निंग के टाइम सूरज उगने से पहले ही इसका इस्तेमाल करें, बीच में ना करें, क्योंकि उस समय वेदर इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है कि शायद उससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सके, आपके प्रॉब्लम हो आपके प्लांट को। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस पर कॉमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। और हाँ, अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँचे, उनकी हेल्प हो पाए। और लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।